मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे एक डॉक्टर साहब है, उनका नाम है राहिल चौधरी, दिल्ली में है, I7 नाम का एक हॉस्पिटल है, तो उनके फादर साहब भी और वो भी बहुत अच्छे ढंग से हमारे आंखों की सेवा करते आ रहे हैं, सेकंड जनरेशन डॉक्टर हैं। तो उन्होंने एक कार की रैली, आंख दान जागृत रैली कर रहे हैं, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो रास्ते में हमारा लुधियाना आता है, तो वो लुधियाने में आज उनकी कार रैली है, उसी कार रैली को सी ऑफ करके आया हूँ मैं। मेरे मन में ये है कि दिल्ली का एक डॉक्टर जो कश्मीर से लेके कार के माध्यम से गुजरता हुआ आंख दान के दान की जागृति देता हुआ कन्याकुमारी पहुंच चुका, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, ये टेक्नोलॉजी कंटूरा टेक्नोलॉजी की में मशहूर है। कोई भी यूट्यूब पे डालेगा डॉक्टर राहिल चौधरी या कंट्रोल है, उसको जो पता चलेगा कि कितने अच्छे साथ काम कर रहे हैं। तो वो डॉक्टर साहब जो आंख दान की जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो अभी उनका प्रोग्राम लुधियाना में है। तो ये आंख दान क्यों इतनी जागृति हो रही, क्यों हमारे देश में 30 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको आंख दान की जरूरत है। तो मैं कहूँगा कि जो डॉक्टर राहिल चौधरी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली बहुत स्मार्ट हैं, ऐसे बिल्कुल कम उम्र है उनकी, फिर मैं उनको कहा कि मैं आंख दान और आंखों की संभाल के कैंप में गांव में जा रहा पृथ्वीपुर, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। यही वीडियो जब उनको भेजेंगे, उनकी हाजिरी जहां लगेगी तो उनको अच्छा लगेगा। फिर अब जावांगे डॉक्टर राहुल चौधरी वासी सारे ताड़ियां मार के बाहर। ये ताड़ियां इसलिए हैं राहुल चौधरी के माध्यम से जब समस्त भारतवासियों को ये मालूम होगा कि हमें आंखें दान करनी चाहिए, आंखें दान होंगी, किसी को रोशनी मिलेगी शायद, वो रोशनी जब मिलेगी उसमें राहिल चौधरी और आप सारे समाज का योगदान होगा, ये बहुत बड़ा काम है इसलिए। तो डॉक्टर राहिल चौधरी आपको मैं मुबारकबाद करता हूँ कि आपने एक नौजवान हमारे आंखों के डॉक्टर हैं, और न्यू जनरेशन डॉक्टर्स को भी बेनती करूँगा, आओ हम डॉक्टर राहिल चौधरी की तरह हम सब मिलके समाज के लिए आंखों के विभाग में अच्छा कार्य करें। अखादान महादान महादान अखादान महादान अखादान। साढ़े वास्ते बहुत बड़भागा दिन है, जो पिछले 32 साल तो लगातार अखा दान की मुहिम आप चलाते आ रहे हैं, जिदे विच बहुत औखा हुंदा आ अखां दान में प्रेरणा करना। साढ़े समाज दे विच अखां दान संबंधी बड़े मतभेद हुंदे ने, वहम हुंदे ने, बड़ा औखा होकर समझाना पैंदा आ। साढ़े देश लखां लोग ने जिन्हों अखां दान की लोड़ हैगी है, सो तां ही सियाखी होणगे जे कोई अखां दान करूगा। सो ये मिशन दे विच आपां वख-वख समें दे विच सेवा करदे आ रहे हैं। साढ़े आ नौजवान डॉक्टर राहिल चौधरी जी है, पहला ताड़े में सारे वेलकम कर लो। ये एक बहुत ही पाक ते पवित्र, आई थिंक आई शुड सी स्पीक इन हिंदी, जो आपको चलेगा ना? नहीं नहीं सब चलेगा। तो ये बहुत ही एक पवित्र मुहिम में काम कर रहे हैं, जहाँ एक बहुत ही कुशल आंखों के डॉक्टर हैं, जिसको लेसिक सर्जरी करते हैं कंटूरा विजन से, आजकल टेक्नोलॉजी और आ गई है, सिल्क टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। इंडिया का नंबर वन हॉस्पिटल है दिल्ली में I7, तो यहाँ मालिक ने इतनी कृपा की हुई है, बेस्ट हॉस्पिटल इन अवर इंडिया, जो वर्ल्ड में भी कह सकते हैं, ओनली स्पेक्टिकल वुल्फ आई हॉस्पिटल से फर्स्ट टाइम है। तो इतने बिजी शेड्यूल के होते हुए भी इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, जो हर साल करते हैं एक्टिविटीज़, वो क्या भी बहुत ज़रूरत है आँख दान के प्रचार की, जो हमारे देश में बहुत ज़रूरत है, वो जो अंधापन है, कोई दान करेगा तभी मिलेगी। तो इन्होंने एक मुहिम शुरू की है, नेशनल वाइड कार रैली आई डोश अवेयरनेस की कर रहे हैं, जो कश्मीर से शुरू की है, लुधियाना पीछे पड़ाव आया था,
तो मैंने कल इनको रिक्वेस्ट की, कल इन्होंने लुधियाना में रैली की, फिर डॉक्टर साहब आप हमारे हॉस्पिटल में आइएगा, हमारे आई बैंक में विजिट कीजिएगा, क्या कैसे हम काम कर रहे हैं और अच्छा होगा, हमें बूस्टिंग होगी, क्योंकि मेरी जो एज ग्रुप है, आज हमारे बच्चे, मेरा बेटा डॉक्टर कर्शन, वो आज किसी कारण के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा, आपसे मिलाना था उनको भी, जब बच्चों के आपके कंधों पे सारी जिम्मेवारी आएगी, क्यों हमारे देश में अकेला डॉक्टर रमेश, डॉक्टर राहिल नहीं अंधापन दूर कर सकता, हम सबको इकट्ठे होना है। सो जो कार रैली जो उनकी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये जागरूकता कार रैली होगी, सो उसमें आए हैं अवेयरनेस के लिए, इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी। सो सर मैं बेनती करूँगा, आप हमारे पंजाब के वासियों को, पंजाबियों को, सबको एक छोटा सा मैसेज दें कि आप जो कार रैली के माध्यम से कैसी जागरूकता करनी है और आने वाले समय आपके आंख दान के प्रति आपके विचार पेश करें। सत श्री अकाल जी, जैसा सर ने हमें बताया कि हमारा जो देश है इंडिया, ये ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब सबसे ज़्यादा अंधापन के शिकार जो मरीज़ हैं वो हमारे देश में हैं, और इसमें से कई सारे मरीज़ ऐसे हैं जो दोबारा देख सकते हैं, उनको रोशनी हम लोग दोबारा दे सकते हैं अगर उन्हें दान करीवी आँख मिल जाए, लेकिन हमारे देश में लोग अंग दान या नेत्र दान से घबराते हैं, लोग आगे आके अपनी आँखों का दान नहीं करते, उनके मन में कई सारे डर हैं, अंधविश्वास हैं, सुपरस्टिशंस हैं, लोगों को लगता है कि अगर हम अपनी आँखों का दान करेंगे तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे या आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो ये जो अवेयरनेस ड्राइव हमने शुरू करी है, हम लोग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग अंधविश्वास से बाहर निकलें और आगे आकर अपनी आँखों का दान करें, ताकि ये जो हमारा देश ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है, इसका बर्डन हम कम कर सकें। आँखों के दान के बारे में सबसे स्पेशल या अच्छी चीज़ है कि ये दान मृत्यु के बाद करना है, आपको अपने जीवन काल में नहीं करना। तो मृत्यु के बाद हमने अपने शरीर का क्या करना है, या तो हम इसको जला देंगे या तो हम इसको दफना देंगे। तो अगर हम अपने अंगों का दान कर दें, आँखों का दान कर दें, और इससे कोई दूसरा इंसान दोबारा देख सके, उसे एक नई ज़िंदगी मिल जाए, तो मैं नहीं समझता कि इससे ऊपर कोई पुण्य का काम हो सकता है। तो उसी के लिए हम लोग साथ निकले हुए हैं, और बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब एक इंसान अपनी आँखों का दान करता है तो उससे दो लोग दोबारा देख सकते हैं। बट फिर भी हमारे देश में करीब 15,000 से 20,000 लोग ही आँखों का दान करते हैं हर साल, और हमें चाहिए करीब 1.5 लाख लोग जो अपनी आँखों का दान हर साल करें, जिससे हम ये बर्डन कम कर पाएँ। बट दान होता नहीं है, बर्डन बढ़ते जाता है, और हमारा देश जो है ये ब्लाइंड कैपिटल बन गया है। तो आप सबसे हम लोग यही अपील करने आए हैं कि हम सबको ये प्रण लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, प्लेज लेनी चाहिए कि मृत्यु के बाद अगर हम अपनी आँखों का दान कर दें, तो आई थिंक इससे बड़ी चीज़ पुण्य का काम या सेल्फलेस सर्विस और कोई हो नहीं सकती। तो बस यही अपील करने हम सब आप लोगों से मिलने आए हैं। थैंक यू। महादान, महादान, अखादान, महादान, अखादान, महादान, महादान, अखादान, महादान, अखादान।